हेलो गाइस, स्वागत है आपका अलीराजपुर जिले में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, जय आदिवासी। मेरा नाम है प्रणव भारद्वाज और आज है 13 सितंबर, और 13 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो उसकी शुरुआत 13 सितंबर को आदिवासी अधिकार दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित कर रखा है, तो उसको हमारे एमपी में मनाने की शुरुआत आज से अलीराजपुर ज़िले के सोंडवा तहसील से की, और वहाँ पे आज कार्यक्रम रखा गया है। तो आज हम जा रहे हैं वहीं पर, और वहाँ पर जो भी कार्यक्रम होगा वो हम दिखाएंगे। वहाँ पर आ रहे हैं मेधा पाटकर आ रही है, और अपने कुक्सी से महेंद्र कन्नौज आ रहे हैं। तो चलिए आगे का कार्यक्रम दिखाते हैं। और हम अभी रुके हुए हैं यहाँ पर, ये कुलवट का पुल और ये नर्मदा नदी नहीं है, ये है नर्मदा नदी की सहायक नदी। इसका नाम तो मेरे को कंफर्म नहीं पता, पर जब भी पता लगेगा तो आपको बताऊंगा। और यहाँ का कुछ नज़ारा ऐसा है नज़ारा, पानी इतना उनाव आ गया है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो मेघा पाटकर जी है, उनका आज का दौरा है, उनका कार्यक्रम बताएंगे आपको। और कैसा आ रहा है? तो देखिए, थोड़े थोड़े ताड़ के झाड़ दिखा देता हूँ आपको। और वो पूरे डूब गए हैं, इधर भी है वो भी पूरे डूब गए हैं, और ये शायद ज़्यादा दिन तक पानी रहा तो ये मर जाएंगे, ज़्यादा दिन जिएंगे नहीं, और उसके बाद उसमें ताड़ी नहीं गिरेगी और हमारा क्या होगा, सोच ही सकते हैं। तो देख सकते हो वो, और गवर्नमेंट ने जो मसान बना रखी है वो मसान भी डूबी हुई है। तो देखो, सरकारी पैसा दोस्तों ऐसे लगाया जाता है हमारे क्षेत्रों में। इधर ताड़ के पेड़ भी डूब गए। हाँ तो दोस्तों, हम सोंडवा लगभग पहुँच ही गए हैं, और ये सोंडवा का प्राकृतिक नज़ारा देखिए, कुछ ऐसा नज़र आता है। और मैं गाड़ी चलाते चलाते ये लोग मना रहा हूँ। ये स्कूल हॉस्टल बनी हुई है, दिस इज द सोंडवा, और ये सोंडवा का पाचरा, और ये सोंडवा के ताड़ की ताड़ी बहुत फेमस है। हाँ तो दोस्तों, हम आ गए हैं कार्यक्रम स्थल की, और हमारे साथ में है ये रवि लोहारिया जी। बेटी बेटा आवे पूछे देखे भले, आओ भैया घिसी खाने आओ, घिसी पूछे बाजू पूछे चुखा में एक किलो घिंचड़ी, चुकली बारी को है चुकली बारी घिंचड़ी चुखा में एक किलो को है, तुम्हारे के पुजारो घिंचड़ी पूजे को है घिंचड़ी चुखा में एक किलो को चुकली बारी चुकली को भी चुकला भी है ना चुकली जाने ना का जाने ए पूछे ओके प्रति के अनुसार धार डालकर पूजा विधान के साथ भारतीय कुदुरा पुजारा और पटेल करते हुए Thank you.
मार बिटलू कुन खाई जो एक बार और तालियां बजाओ। बहुत अच्छी प्रस्तुति। मतलब क्या संविधान में हमें कौन से अधिकार दिए गए हैं? इससे संविधान से पहले, देश आजादी से पहले हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने कितनी लड़ाई लड़ी और ऐसे कौन कौन से अधिकार जिनको संरक्षण किया और उन अधिकारों को पाने के लिए अपने बलिदान दे दिया, ऐसे अधिकारों को आज हमें जानने की जरूरत है साथियों। आज हम नारे तो लगाते हैं, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, लेकिन वास्तविकता में जमीन स्तर पे देखने को ये मिलता है साथियों कि हमारे किसी भी आदिवासी भाई को पुलिस जब चाहे उठा ले जाती है और मन माफिक मारती है, कूटती है, उसको पूरा जान से मार देती है। ये हमारी असलियत में आज हमारे साथ में हो रहा है। आपसे पहले हमें ऐसे कार्यक्रम, ऐसे आयोजनों से हमें जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। साथियों, आज आदिवासियों के साथ में बहुत बड़ी विडंबना फंसी है, बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि हर समय 24 घंटा सबसे ज्यादा नजर है तो आदिवासी की जमीनों पर है। मैं अभी यहां पर आए थे, कुछ साथियों से बात कर रहे थे। साथियों, यहां पर सब जमीन डूब वाला क्षेत्र है, लेकिन उनके साथ में कितना बड़ा अन्याय हुआ है ये आज हमें सब क्षेत्र में हम घूमते देखने को मिला। साथियों, उनके पास सही ढंग से नहीं तो यहाँ स्कूल मिलेगी, नहीं तो यहाँ सही ढंग से हॉस्पिटल मिलेगी, नहीं तो यहाँ सही ढंग से कॉलेज मिलेगा, ये आज स्थिति है साथियों। मनाने का आपने बोला घर घर झंडा लगाने का, हमने झंडा लगाया, हमने तिरंगा पहनाया, क्योंकि हमारे देश की आन बान शान है तिरंगा। हमने हर चीज को माना, लेकिन हमारा जो संविधानिक अधिकार है, जो हमको मिलना चाहिए, वो अभी तक क्यों नहीं मिला? और हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जिनको हम चुनकर यहां से भेजते हैं, चाहे वो बीजेपी का हो सकता है, चाहे कांग्रेस का हो सकता है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी होती है लोकसभा में जाकर आदिवासियों की बात बोलने की, विधानसभा में जाकर बोलने की, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं आप सबको पता है, वहां जाकर सो जाते हैं। लेकिन लेकिन ये जो युवा, पढ़े लिखे युवा अब घर से निकला है समाज के लिए, समाज में जन जागृति लाने के लिए, अब उनकी नींद में खलल होगा, अब उनकी नींद को नींद से जगाने का वक्त आ गया है, और ये हमारे समाज का पढ़ा लिखा युवा साथी उनको नींद से जरूर जगाएगा। जैसे भारत भाई मौर्य ने बोला था,
ये उंगली तभी कर पाओगे जब आप पढ़ लिख जाओगे, कुछ बात जानने लग जाओगे, अपने अधिकार जानने लग जाओगे। वरना हमारे लोग तो जनपदों में घुसते हैं तो प्यून भगा देता है, कॉलेज में घुसते हैं तो प्यून भगा देता है, तहसीलदार के ऑफिस में जाते हैं तो प्यून भगा देता है। जबकि प्यून की ड्यूटी क्या होती है मालूम आपको? झाड़ू लगाना और पानी पिलाना। और वो पानी किसको पिलाना? हमको पिलाना है। लेकिन वो आग दिखा देता है और हमारे लोग वापस आ जाते हैं। आप सब अपने अधिकारों को समझो। हमारा अधिकार क्या है? क्योंकि चाहे वो अलीराजपुर जिले का कलेक्टर हो, वो यहां का बॉस नहीं है, यहां के बॉस हम लोग हैं। हमारे टैक्स से उनको वेतन मिल रहा है। साथियों, जब तक हम अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे, अपने आप को नहीं समझेंगे, भोपाल में दिल्ली में अगर कोई बोल दे कहां से हो आप, अलीराजपुर जे, तो आधे लोग डर जाते हैं। आज भी इतना खोप है अलीराजपुर जिले का। और तुम जनपदों में, हमारे लोग जनपदों में घुसने से डरते हैं, तहसील कार्यालय में घुसने से डरते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए।